वेलकम टू साई इलेक्ट्रॉनिक प्लैनेट। तो आज हम आप सबके लिए दो बूफर्स हैं उनकी साउंड टेस्टिंग की वीडियो लाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। बाकी जिस एम्पलीफायर पर मैं अपना इस बूफर्स को चेक करने वाला हूँ, वो एम्पलीफायर आपको अभी सामने स्क्रीन वीडियो में दिख रहा होगा। 3 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है ये, साउंड मास्टर कंपनी का। 2N 350 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं इनमें। बाकी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये 12 वोल्ट DC सप्लाई पे रन होता है, 240 वोल्ट पे भी रन होता है। और इसमें स्पीकर आउटपुट है 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम, 3 आउटपुट के ऑप्शन दे रखे हैं। बाकी तो मैं अपने एम्पलीफायर को बैटरी से चलाने वाला हूँ। और बैटरी से क्यों चला रहा हूँ आपको लास्ट चेकिंग वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी इसपे स्पीकर पॉइंट्स 4, 8 और 16 ओम से इसकी आउटपुट निकलती है। ये कॉमन है, ऑक्स की केबल भी इसमें है हमारी। अब सेटअप हो चुका है रेडी। बाकी मैं आपको बूफर से भी दिखा देता हूँ। आपके बूफर नज़र आ रहे हैं, दो बूफर हैं, एक लॉन्ग थ्रो और एक शॉर्ट थ्रो के साथ में। 6 ओम के बूफर हैं दोनों और 17.5 वाट का एक है। रिवर्स बेस वाला बूफर है ये। मैं आज इसकी साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ बिना कैबिनेट के, विदाउट कैबिनेट। देख सकते हैं बकायदा मेड इन थाईलैंड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बूफर की। थोड़ी देर में हम इसकी चेकिंग करने वाले हैं। बाकी बूफर देख लीजिए आप, इसकी कोन काफ़ी क्लासिक है। आप देख सकते हैं रिवर्स बेस वाला स्पीकर बूफर है। सब बूफर नहीं है, बूफर है, तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगी बूफर है या सब बूफर है। ये बूफर है ना ही, ये सब बूफर है ना ही, ये मीडिएटर है, मिडर है। ये है लॉन्ग थ्रो वाला और जिससे पहले आप देख रहे थे वो शॉर्ट थ्रो है। ये शॉर्ट थ्रो है, ये भी दोनों सेम रेटिंग के हैं, दोनों सेम आउटपुट इनपुट पे वर्क करते हैं। Peace.